जनता बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम जनता से रूबरू कराएंगे। आज हम हैं जमशेदपुर के बारीडी के पास, जहां से लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर बातें करेंगे। क्या उनका मूड है, इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देने जाएंगे, किसको अपना सांसद बनाएंगे, और जब सांसद बना के चुन के जाएंगे तो उनका इनका सांसद से क्या उम्मीद होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। देख सकते हैं कि बारीडी के जनता है, उनसे हम जानेंगे कि इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देने जाएंगे, कैसा सांसद होना चाहिए आपका जो आपके लायक हो। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये जो लोकसभा का पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे मतलब पूरे इंडिया में। सांसद ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जब वोट का समय आए तो दिखे और ऐसे ना दिखे, जिसमें हमारे जो मध्यम वर्ग से लेकर के जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनकी परेशानियां, गली मोहल्ला का परेशानियां, ये सारे चीज़ हम लोग जो है हर एक दिन में जो है इसको हम लोग देखते हैं और इससे काफ़ी मतलब प्रभावित होता है। लेकिन सांसद आते हैं और बड़ा बड़ा नाम लेते हैं और उस बड़ा बड़ा नाम के चक्कर में जो है सिर्फ अपना जो है रोटी, राजनीतिक रोटी सेक करके निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सांसद क्षेत्र में नहीं आते हैं, बारीडी का क्षेत्र है, और भी लोग से हम जानेंगे कि क्या उनका इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, इस बार क्या क्षेत्र में आपका विकास हो पाया कि नहीं हो पाया, ये जानने की कोशिश करेंगे। सांसद के द्वारा तो किसी तरह कोई विकास का यहाँ नहीं है, सांसद के द्वारा किसी तरह कोई विकास नहीं है। और पहला बात तो 5 साल में हम लोगों ने उनको यहाँ देखा भी नहीं, यहाँ सांसद महोदय को कभी हम लोग देखे ही नहीं है। अब चुनाव का मौसम है, हो सकता है कि उन्होंने उनकी झलक मिल जाए, तो इस बार जब हम लोग वोट देने जाएंगे तो इन सब बातों पर पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हमें जो सांसद चाहिए वो हमारे बीच का है, रहे और हमारे सुख दुख में और विकास का जो मतलब यहाँ काम है वो यहाँ करते रहे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका उस बार सोच के जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, आप इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका और क्या सोच के जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जनता, अब समय आ चुका है, बता देगी यहाँ के नेताओं को जो अभी यहाँ से सांसद खड़े होने वाले हैं कि हमें क्या चाहिए। विकास जो कि हुआ नहीं, और जहाँ हुआ वहाँ विकास की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और अभी हम सब ने, यहाँ की जनता ने अपना मन बना रखा है कि हमें क्या करना है, ठीक है, और हमें वो समय आ चुका है और 12 को हम लोग दिखा भी देंगे। तो 12 मई को वोट पड़ना है और 12 मई को ही ये लोग बताएंगे कि क्या इसको वोट देंगे। इस बार जो सांसद चुनने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, आपका क्षेत्र का विकास हो पाया नहीं हो पाया, क्या उम्मीद बना के रखे थे और आगे क्या उम्मीद बना के रखेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ना कि जब 5 साल पहले नई सरकार आई थी, चूँकि हम लोग बस्ती इलाके से आते हैं, बिजली पानी इसका घोर संकट है, और जब मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि 24 घंटा हम लोग पावर देंगे इस क्षेत्र में, और आज ऐसी स्थिति है कि 24 घंटे से पावर है ही नहीं हमारे क्षेत्र में, आज भी स्थिति नहीं है कि हमेशा रहता है, नहीं अक्सर होते रहता है ऐसी स्थिति, लेकिन आज कल की ऐसा परिस्थिति थी कि 24 घंटा से पावर नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है और बहुत खराब परिस्थिति हमारी। सांसद से क्या उम्मीद रखें? नहीं, सांसद से ही अब कह रहे हैं कि कभी घूम के यहाँ लोग नहीं आते हैं, हमारा क्षेत्र जो है मजदूरों का शहर है, मजदूरों की कोई भी आवाज़ वो उठाते नहीं हैं, चाहे उनका परमानेंट की बात हो या आपके ठेकेदारी मजदूर की बात हो। तो इस बार सभी मुद्दों को लेके हम लोग जो है मन बना के रखे हुए हैं कि उनके साथ में हम लोग किनको चुनना है, और इस बार जो मजदूरों की बात करेगा, जो बस्ती के विकास करेगा, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। हम लोग ने 12 तारीख को मन बना लिया है किनको वोट देना है, 12 मई को मन बना लिया है कि किसको वोट देंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है, आप उम्मीद रखे हैं सांसद से, आगे जो सांसद रहे हैं क्या कुछ किए हैं, आने वाले सांसद से क्या उम्मीद है आपको। जहाँ तक सांसद की बात है, इसे जब जब चुनाव आते हैं तब तक पता चलता है कि सांसद भी यहाँ पे हैं और सांसद का चुनाव हो रहा है। 5 सालों तक जीतने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि विद्युत जी कहीं पे आए नहीं, और चुनाव के समय यह पता चल रहा है कि सांसद जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और विकास की बात तो उनके माध्यम से पता ही नहीं चला आज तक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी है, रघुवर दास को आदमी जानता है, सांसद का तो अतः पता ही नहीं है कभी आज तक, हम मुझे लगता है कि ना उनका कभी कार्यक्रम हुआ इस क्षेत्र में,
ना जनता से रूबरू हुए हैं और न ही यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास का काम किया। बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्यों हम देख रहे हैं, तो आप ग्रामीण में लड़ो ना, फिर शहरी क्षेत्र से आपको क्यों बोलते हो, प्रचार करते हो कि आप मुझे वोट दो। जब आप ग्रामीण को देखना है तो आप ग्रामीण को देखो, शहर को आप बोल दो कि शहर वाले वोट ना दे। इतने बस्ती को तोड़ा गया, जहाँ जहाँ सड़क चौड़ीकरण हुआ वहाँ पे सारे लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, दुकानदारों को तोड़ दिया गया, लेकिन सांसद एक दिन भी उनको सूझ लेने नहीं आए। तो यह यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य है, और सांसद भी इस तरह से बेवफाई समझिए करते हैं कि सारे लोगों से भूल जाते हैं, और सांसद का तो कुछ आता पता ही नहीं है। यहाँ सारे लोग विधायक को ही जानते हैं और मुख्यमंत्री को जानते हैं, बस विधायक और मुख्यमंत्री को जानते हैं लेकिन सांसद को नहीं जानते हैं। एक महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बार सोच के जाएंगे वोट देने, कैसा आपका सांसद होना चाहिए, क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ अभी तक ये जानेंगे। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो कुछ शहरी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुई है, और जो हमारे भाई सब बोल रहे हैं कि ये मणिपाल वाली मुद्दा है, पानी दी गई है लेकिन वो पानी आती नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे या सांसद, तो सांसद को तो हम लोग देखे ही नहीं है, तो हम लोग को पता ही नहीं है। मैं भी नहीं देखी हूँ सांसद को, मेरे करोड़ों की फोटो में तो देखे होंगे ना। हाँ, फोटो में तो मेरी करोड़ों की घर टूट गई, मैं सांसद को नहीं देखी हूँ। और सांसद रहते हुए जो सांसद जो मुख्यमंत्री आके बताते हैं कि 86 बस्ती को मैं मालिकाना हक दूंगा, और जमीन को बिकवाते हैं, पैसे उनके घर तक जाती है, उसके बाद घर को तोड़ दी गई, मुझे मैंने सांसद को अभी तक नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ के सांसद मुद्दा क्या होगा जो... और हमारा हम लोगों का मुद्दा यही होगा कि शुरू से यही मुद्दा आते रह रहा है कि 86 बस्ती को लेके ये लोग हमेशा राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और इस बार इन लोगों ने दिखा दिया कि 86 बस्ती वाले को क्या क्या, उन लोगों के साथ क्या क्या इन लोगों ने कुकृत्य किया, उसको कुकृत्य बोला जाएगा। तो हम लोग 12 तारीख को ही बताएंगे कि मुझे किसे वोट देना है, हम लोगों को किसे नहीं देना है। तो थोड़ा बहुत नाराजगी जरूर है सांसद को लेकर, आपसे जानेंगे क्या कुछ आप वोट देने जाएंगे तो कैसा सांसद होना चाहिए, क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ है, आगे क्या उम्मीद बना के रखे हैं आप? हम लोग चाहेंगे कि हमारे सांसद सशक्त हों, जो डिसीजन मेकर हों। और रही बात अभी छोटे छोटे मुद्दों की, आज रोड नाली सड़क पानी सभी कुछ अवेलेबल है। हमारी कुछ पब्लिक बोल रहे हैं कि सांसद को नहीं देखे, कल भी बायोडाइवर्सिटी में सांसद महोदय आए हुए थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं। तो ये संतुष्ट हैं सांसद का कामकाज से, और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बार वोट देने जाएंगे, क्या सोच है आपका, कैसे मतलब क्या वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा मेरा खास करके यही रहेगा कि अगर सांसद को देखना है अपने क्षेत्र में तो एक बार बाजार घूम के देख लें। ये मेरे युवा भाई लोग हैं, इनके तरफ थोड़ा कैमरा घुमाया जाए, और सब बेरोजगार हैं आज के डेट में, तो कम से कम सांसद को जानना चाहिए कि हमारे युवा लोग का क्या स्थिति है, जगह खाली मार्केट घूम ले एक बार। तो आपके माध्यम से अगर सांसद जी को अगर मैसेज पहुंचे कि मार्केट घूम के देखे कि किसको किसको बेरोजगार कर दिए हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या इस बार आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे। देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे, ठीक है, 6 विधानसभा मिला एक लोकसभा होता है, ठीक है, 6 विधानसभा के 6 विधायक हम जानते हैं, नाम भी बोल देंगे आपको, ठीक है, लेकिन सांसद का नाम भी जानते हैं, लेकिन हम लोग पूर्वी क्षेत्र को जो सीएम हम लोग का जो आवास, जो झारखंड जो मुखिया बोलते हैं उनका आवास माने उनका क्षेत्र है, उनको हम जानते हैं, लेकिन जो सांसद हम लोग का उनका नाम विद्युमान, उनका आज तक हम पूर्वी क्षेत्र में आज तक कोई भी कोई जगह प्रोग्राम देखते हुए नहीं देखे, हमको नाम जानते हैं लेकिन उनका कोई जगह कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किसको कभी उसको जीवन नहीं देखा आजको, लेकिन नाम सुने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं? नहीं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, आज तो उनको देख भी नहीं किया, तो विकास किसके बाद बात की है? अगर कोई विकास का नाम होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई जगह नाली रोड बन रहा है, ठीक है, वहाँ क्या लिखा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास, ठीक है, माननीय सांसद महोदय विद्युमान, लेकिन वो सांसद महोदय आज तक आए नहीं, छोड़ दिया रघुवर मुख्यमंत्री हम लोग को छोड़ उनके बाद लगवाए, लेकिन सांसद महोदय आज तक हम लोग अमृत क्षेत्र में कभी जीवन हम रहते हैं बागमती बेलो से, उनका भी आज तक देखे नहीं आज तक कि ये रोड का शिलान्यास हो रहा है, इनका भवन बन रहा है, ये आपका चापाकल बन रहा है, ये हुआ, ये मैदान बन रहा है, उनका अभी आज देख भी नहीं किया, सिर्फ नाम का शिलान्यास हुआ, काम का काम नहीं शिलान्यास हुआ। सांसद को नहीं देखे हैं, और भी लोग से हम जानेंगे कि इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, कैसा आपका सांसद होना चाहिए? सुनिए, 5 साल के सरकार में हम यहीं से बात, 5 साल के सरकार में जनता को जो नुकसानी हुआ वो तो जनते को मालूम है। यहाँ जो है 5 साल में आपको 1 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया, उसके बाद में बोले कि हॉस्पिटल ना बना, ना आपका टीचर का कोई बहाली हुआ, ना आपका कोई स्कूल नया बना है, रोड थोड़ा चकमा दे करके इसमें कितने बेरोजगार आदमी को झोपड़ी उजाड़ दिया, बोला कि उजड़ जाएगा वो फिर जो है सो बना दिया जाएगा, आज तक कुछ नहीं किए है ना।
वही बना हुआ जो पहले से है उसी को बनाया गया, और जो नुकसानी इस सरकार के अंदर में है और रहते हुए वो तो जनता को मालूम है, और क्या हम बताएंगे। हम तो पढ़े तो और भी थोड़ा बहुत नाराजगी बहुत है लोगों में। हम जानेंगे आपसे कि क्या कुछ आप इस बार जो जाएंगे वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे। देखिए इस बार मूड तो हम लोग बनाए हैं, यहाँ सरकार बोलते है विकास किया, हमें लगता नहीं है विकास किया, विनाश बहुत ज्यादा किया है सरकार। देखिए गरीब का कितना दुकान तोड़ दिया गया, घर तोड़ दिया गया, स्टेशन में तोड़ दिया, वो गरीब तो एक रोजगार नहीं दे सका सरकार, और बेरोजगारी और बढ़ा दिया गया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की यहाँ पे समस्या है, देश बेरोजगार के लिए बेरोजगार प्लस बेरोजगार हो गया है, सोच लीजिए मरने की नौबत में आ गई है। विनाश किया है सरकार, विनाश किया है तो सरकार विनाश किया है, ये मानना इनका। क्या कुछ रहेगा इस पर? बिजली पानी का जो समस्या था जिसको का नाम से लिया गया, बोला फिल्टर पानी देंगे, लेकिन नहीं पैसा लिया जा रहा, कभी फिल्टर गंदा पानी आता है। बिजली का तो बुरा हाल देख रहे, जहाँ हवा पानी है एकदम तीन तीन दिन तक बिजली नहीं है। तो मिलता है नहीं, जो ये आपका जिसको का नाम से नहीं दे रहा ना, ये तो DVC एकदम कटा हुआ रहता है, पानी तो पूरा गंदा रहता है। और क्या प्रॉब्लम है आप क्षेत्र में? बिजली पानी जो बस यही देख रहे हैं आप, विकास में तो जो होना चाहिए वो हो रहा नहीं है। एजुकेशन के मामले में नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, जो वादा किया गया था वैसा नहीं है। तो स्थिति बहुत दयनीय बता रहे हैं लोग। और भी हम लोग से जानेंगे कि क्या कुछ इस बार आप कुछ बता रहे थे कि और भी क्या आपका बात में रह गया था। देखिए जो यहाँ पर कुछ हम लोग बिजनेस करते हैं, खुद अपना कारोबार है हम लोगों का। आज नई सरकार जब से आई है, जो वादा किए की थी नोटबंदी के बाद से और GST के बाद से, नोटबंदी के बाद तो हम लोगों का जो व्यापार है वो आधा हो गया, और GST लगने के बाद से बिजनेस की ऐसी स्थिति है। आप हमारा बायड़ी बाजार में आप चले जाइए, किसी भी बाजार के अंदर चले जाइए, आज जो है लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोगों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है कि हम लोग अपने परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों के फीस भरना मुश्किल हो गया है। नई सरकार से हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, हम लोग जो है बिल्कुल आक्रोशित हैं इस सरकार से, और इसका जो है निश्चित हम लोग सबक सिखाएंगे इस सरकार को। चलिए सबक सिखाने का बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आप क्या करते हैं। मैं तो समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा लगता है कि क्षेत्र में और जो विकास होना चाहिए था हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्या कुछ है? अभी तो आप आए होंगे देखे होंगे यहाँ पर, जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जो सरकारी एक हॉस्पिटल है कोल्हान का जो क्षेत्र है या झारखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप तो देखते ही होंगे क्या समस्या है, नहीं है। कल भी माननीय मंत्री जी ने बोला है कि मात्र सिर्फ एक ड्रेसर का बदौलत वो हॉस्पिटल चल रहा है, MGM, ठीक है। और आशुवा भी आपने देखा कि पूरे कोल्हान में सिर्फ 46,000 डॉक्टर, सॉरी एक पूर्वी सिंहभूम में 46,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है और 4,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो क्या स्थिति है वो आप देख लिए। आप यहाँ से जस्ट थोड़ा नीचे चले जाइए, 2-3 किलोमीटर पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया हुआ गोद है, गाँव है मोहरदा, ना वहाँ पानी है ना बिजली है। बिजली का समस्या तो आपने देखा भी होगा, बहुत सारे अखबार ने आज लिखा भी, आपका भी लोग कवरेज किए ही है कि पिछले 36 घंटा से बिजली नहीं है और अभी भी बिजली नहीं मिल रहा है। जो वादा, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतना बेशर्म है कि एक कमिटमेंट करते हैं कि अगर बिजली 24 घंटा नहीं मिलता है अगर 2018 तक, तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर से घूम घूम के वोट मांग रहे हैं। सांसद कैसा चाहिए? सांसद तो आप देख रहे हैं 5 साल में हमने आपको तो जरूर देखा, लेकिन सांसद महोदय के क्षेत्र के लोग ने अभी तक नहीं देखा है। आप इस चौक से निकाल के बाहर चले जाइए, गली मोहल्ले में लोगों को पूछिए, आज तक वो अपने सांसद का चेहरा नहीं जानते हैं, और नाम तो दूर की बड़ी बात है, ठीक है। जहाँ कहते उनके विकास के, तो हमको लग रहा है कि आप थोड़े मोहल्ले में घूम जाइए, उनके नाम के ना एक सड़क मिलेगा, ना कहीं शिलान्यास का एक बोर्ड मिलेगा, ना किस तरह का उनके तरफ से कोई विकास का कोई चीज वहाँ पे हुआ ही नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम किए, आपने देखा होगा, आप कवरेज भी किए हैं, आपके न्यूज 11 इससे पहले दिखला रहे थे कि वहाँ भी पूरा फ्लॉप है। अब पूरे ग्रामीण क्षेत्र की छोड़ दीजिए, जमशेदपुर की जो 22 लाख की आबादी है, एक गांव में 5,000 की आबादी है, जो 5 साल में 5 गांव उनको गोद लेकर आदर्श बनाना था, 5 साल में 2 गांव लेकर आज तक आदर्श नहीं बना पाए। जब वो 10,000 लोगों का डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो 22 लाख लोग कहाँ से करेंगे। चलिए तो एक बोल जनता बोल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और जानेंगे कि बारीडीह के लोगों का क्या मूड है। बोल जा
जनता बोल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम हैं बारीडी में और बारीडी के लोगों से हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे, जान भी रहे कि क्या मूड है उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, वो किस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं, और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, कैसा आपका सांसद होना चाहिए, इस क्षेत्र का विकास हो पाया नहीं हो पाया, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग का यहाँ सांसद जो चाहिए वो कम से कम हम लोग के बीच आना जाना चाहिए, ठीक है। पिछले 5 साल से जो भी सांसद हैं आज तक कभी यहाँ आए नहीं, हम लोग देखे भी नहीं उनको, है ना। तो उस तरह का सांसद चाहिए जो कि हम लोग के बीच रहे हैं और जो भी कमी मतलब यहाँ का रहे उसे पूरा करें। राष्ट्र के बात किया जाए तो राष्ट्र में जो काम हो रहा है नहीं हो रहा मोदी जी के द्वारा, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? मोदी जी के द्वारा काम जो हो रहा है एक ही काम अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के प्रति जो एक्शन लिए, उसके अलावा तो और कोई काम अच्छा नहीं लगा। चलिए तो और भी कुछ आपको क्या राय, आपका क्या राय है इस बार चुनाव में वोट देने जाएंगे तो? सेंट्रल को देख के देने जाएंगे और बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा है, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। तो मुद्दा क्या होगा क्षेत्र का लेकर? हम लोग अच्छे से तो ऐसा कोई उचित मुद्दा नहीं है फिलहाल, तो सबसे मेन मुद्दा जो है वो नौकरी और व्यवसाय का है। लगता है कि रोजगार के मामले में कुछ रोजगार अभी तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है, अभी उम्मीद तो बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए उम्मीद है और भी लोग से हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका राय है और किस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देने जाएंगे। 12 मई को वोट पड़ना है, किस कैसा सांसद चुनना चाह रहे हैं? सांसद कौन है? सांसद को तो आज तक देखे ही नहीं हम बारीडी में, आते हैं खाली घूम के उधर से निकल जाते हैं। गाड़ी पर इतना टैक्स बढ़ा दिए हैं कि एक ही बार 15 साल का बोल रहे टैक्स भरिए, तो 15 साल का गरीब भाई लोग कहाँ से भरेंगे टैक्स? क्षेत्र का क्या क्षेत्र में कुछ नहीं, खाली रोड नाली बन रहा है, नाली बन रहा है, नाली में वही जाम हो जा रहा, फिर आ रहा चार साफ करके चल दे रहा। स्वच्छता मतलब साफ सुथरा हो रहा है? नहीं, साफ सुथरा बहुत कम हो रहा है, सामने आवाज कम से कम बहुत कम साफ सुथरा हो रहा है। यहाँ था सफाई के मामले में क्या कुछ अभी तक है वो हम जानेंगे, सफाई के मामले में क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ का? देखिए, सफाई के नाम पर सिर्फ ढकोसला है, ढकोसला के अलावे सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही। आप देखिए कि चुनाव होता है इंडिया में, लेकिन इसको बीच में पाकिस्तान को डाला जाता है। अरे पाकिस्तान का मुद्दा इस चुनाव में है ही नहीं, और सबसे बड़ा बात है कि मेरे सामने मेरे घर में मेरे घर के सामने कौन है, हम उसको देख करके वोट मारेंगे? सेंट्रल को देख करके वोट मारे, वो अपना विदेश निकल जा रहे हैं, यह कौन सा नीति से वह चुनाव लड़ रहे हैं या देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोगों के समझ से बाहर है। तो कौन सा नीति से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा मतलब? इस बार बात किया जाए महिला सशक्तिकरण का, तो क्या कुछ है महिलाओं को लेकर सरकार कर रही है, आगे क्या मतलब आप लोग का राय है? महिलाओं के लेके सरकार की यही नीति है कि पहले तो महिलाओं को लेके उनकी माने नीति ही बहुत गंदी है, महिलाओं के लेके कोई चीज रही नहीं। सुरक्षित है आप? नहीं, हम सुरक्षित नहीं, हम तो सुरक्षित बिल्कुल नहीं, हम जेल से घूम के आए हैं ये बोल के कि आप किसी अदर पार्टी को हो कि किसी कहाँ की हो, तो बीजेपी वाली नहीं हो इसकी वजह से मैं जेल से घूम के आई हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं सुरक्षित हूँ? ना मैं सुरक्षित हूँ ना मेरे बच्चे, तो मैं अपने अगल बगल भी मैं किसी को सुरक्षित नहीं देखती हूँ। मैं आप किसी दिन आपको बुलाती हूँ और आप मेरे एरिया में जहाँ मुझे घर तोड़ा गया वहाँ चलिए और मैं किसी महिला से और किसी पुरुष से बात करके देखिए कि उन लोगों के अंदर कैसी दहशत है। वो लोग ये भी नहीं आपको बता पाएंगे कि मैं वोट दूंगी कि नहीं दूंगी, क्योंकि डर है कहीं मैं ये बोल दूं कि मैं नहीं दूंगी तो कल उनके ऊपर हमला ना हो जाए, इस तरह का दहशत बना हुआ है। बाइकर गैंग भी शहर में घूमते हैं जी, उस तरह से भी बने हुए हैं। दूसरे नंबर की रोड नाली बन रहे हैं, लेकिन किसके लिए बन रहे हैं? हम लोगों के सुविधा देख के नहीं बन रही है, बीजेपी वाले के जो वेंडर हैं उनको सुविधा देने के लिए ये काम करवाई जा रही है कि उनको ये सुविधा मिले, उन्हें रोजगार मिले, इसलिए ये रोड में निकलते हैं। तो सुरक्षित है यहाँ पर रोड में? हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाइकर गेम घूमते हैं, चैन आपका झपाटा मार लेते हैं, सब कुछ नहीं। बाइकर गेम से उतने गैंग से लोग उतने परेशान नहीं है जितना ये बीजेपी के नाम पे गुंडागर्दी चल रही है उससे परेशान है। ये एक गुंडागर्दी इनका अपना व्यक्तिगत राय है, और भी लोग से जानेंगे क्या कुछ इस बार वोट देने जाएंगे तो और क्या राय है आपका? वोट देने जाएंगे तो एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा होगा हमारे शहर के अंदर, इस पूर्वी के क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में, इस जो हमारे विद्युत वर्ण महतो जहाँ से लोकसभा के मेंबर हैं,
उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें जीत के आए और ये बोले कि इस समस्या को हम 5 साल के अंदर सुलझाएंगे। ये केबल कंपनी का ये मुद्दा है, केबल कंपनी को हम चालू करवाएंगे और केबल कंपनी का आज एक भी आज पूरे बाउंड्री का जो ईंटा है टूट टूट के वहाँ से गिर रहा है, पूरे हाहाकार मचा हुआ है। आप उस कॉलोनी में जाके देख लीजिए लोगों की क्या स्थिति है। लगभग 15 दिन पहले उस जो जनरल ऑफिस था केबल कंपनी का उसको भी जला दिया गया और आज ये परिस्थिति है इस सरकार के अंदर में। कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो वादा किया कहीं पूरा नहीं किया, वादा किया गया है लेकिन पूरा नहीं किया गया है। और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे, क्या लगता है आपको कि क्षेत्र का जितना होना चाहिए विकास हो पाया है नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो क्षेत्र है अपना जमशेदपुर क्षेत्र जो है, इसमें जितने भी कंपनीज थी, आप ये देखिए कंपनीज हुए चाहे सरकारी स्कूल हुआ, भाजपा ने सांसद ने बहुत विकास किया है, उन्होंने विकास किया है स्कूल बंद करवाने में, उन्होंने विकास किया है रोजगार छीनने में, उन्होंने विकास किया है अस्पताल को छोड़ने में बंद कराने में। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ जिस क्षेत्र के आप सांसद हैं उस क्षेत्र में हमारा एक भी स्वास्थ्य का केंद्र कहाँ है? हम आप जिस क्षेत्र के सांसद हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इन 5 सालों में एक भी शिक्षा का कॉलेज या स्कूल आपने क्यों नहीं खोला? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपने आप जिस क्षेत्र के सांसद हैं, आप ग्रामीण में या जमशेदपुर शहर में, आपकी जनता आपको खोज रही है। कौन है सांसद हमारा पिछले 5 सालों से वो गुमशुदगी में है? मैं जानना चाहता हूं कि वो है कहां, क्या जनता के लिए है या सिर्फ विकास के नाम पे विनाश का कार्य किया जा रहा है? देखिए जनता में नाराजगी है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, यह जो हमारा क्षेत्र है मजदूरों का क्षेत्र है, आपने मजदूरों के लिए क्या स्कीम लागू किया? एक अस्पताल जो ईएसआई अस्पताल है वो भी आपके क्षेत्र में नहीं आता, आप आदितपुर सरायकेला क्षेत्र में खुलवाएं। आपने इस हमारे क्षेत्र जो महानगर मजदूरों का क्षेत्र है इसमें एक भी गरीबों के लिए मजदूरों के लिए एक भी अस्पताल क्यों नहीं बनाया? मैं जानना चाहता हूं आपने विकास किया क्या? रोड और नाली ठीका पट्टा के लिए नहीं, हमें जनता हमें ऐसा सांसद चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, बुद्धिजीवी हो, जो हमेशा अवेलेबल हो, जनता के बीच में रहे, जिन्हें लोग जाने और पहचाने। तो और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या उनका इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, मुद्दा क्या होगा इस बार आप लोग का, सांसद बनाएंगे तो कैसा सांसद बनाना चाहते हैं जो आपका क्षेत्र का विकास करे, राज्य का विकास कर सके? देखिए, हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि जो कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और विकास वही सांसद करेंगे जो बुद्धिजीवी हों और गरीबों के समस्या के बारे में उनके वो अच्छी तरह से वाकिफ हो। तो जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले सांसद जो भी सांसद रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हीं को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, गरीबों का विकास हो, बेरोजगारी हटे और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल वगैरह, जो आज हमारा MGM है अभी बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, इस सब पर जो है वो विशेष रूप से ध्यान दे। जनता को क्या चाहिए, जो जनता की ज़रूरत है उसका पूरा करना है, तो वो जनता की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमारे हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, हम चाहेंगे कि वही हमारा प्रतिनिधि बने। तो 12 मई को वोट पड़ना है, उनसे भी हम जानेंगे और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका राय है और कैसा सांसद चाहिए, क्या इस बार और भी क्या मुद्दा है आप लोग का जो बाकी रह गया है? मुद्दा तो वैसा कुछ फिर से मैं वही बोलना चाहूँगा, मुद्दा तो वैसा मेरे कुछ खास नहीं है। मैं सेंट्रल को देख के ही वोट दूंगा और मैं एक अस्थाई गवर्नमेंट चाहूँगा। अस्थाई गवर्नमेंट चाहेंगे, और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे, क्या राय रहे हैं आपका इस बार? राय इस बार रहेगा कि जो हमारे बीच जो सांसद जो रहते हैं या जो आएंगे, हम उन्हीं को चुनेंगे, इस बार अपने बीच में रहने वाले सांसद को चुनेंगे। बारीडी में रहते हैं, क्षेत्र का विकास हो पाया जितना होना? कुछ भी नहीं। और भी कुछ है जो मतलब उम्मीद रखे हैं? उम्मीद तो बहुत है, जनता को उम्मीद है, हम अपना पर्सनल उम्मीद तो उनसे नहीं रखे हैं, जनता के उम्मीदों पर आज तक वो खड़े नहीं उतरे। आप तो अभी यहाँ पर मैंने हर किसी के मुंह से सुन ही रहे कि आज तक उनको लोग देखा नहीं है, बहुत लोग नाम से भी परिचित नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उम्मीद तो जनता का वहीं खत्म हो जा रहा है।
उम्मीद वहीं खत्म हो जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे वोट देने, कैसा सांसद होना चाहिए आपका, क्षेत्र का आपका विकास हो पाया नहीं हो पाया है, एक ये हम आपसे जानेंगे। भाई हमारे क्षेत्र का तो विकास हुआ है और भाजपा का ही शासन काल में हुआ है और हम भाजपा का ही वोट देंगे। ये तो आपका व्यक्तिगत मुद्दा है, आपका क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं और हुआ है और क्या उम्मीद रखे हैं? भाई उम्मीद उनसे जो हम लोग का उम्मीद है वो भी पूरा ही होगा, ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसी सोचकर हम उनको फिर वोट देंगे। कुछ है जो मतलब कि और भी बाकी है क्षेत्र में? अभी अपने तरफ तो फिलहाल बहुत कुछ है, लेकिन अब जैसा वक्त आएगा जैसा वो लोग आए सरकार होगी वैसा होगा पर उसका बदलाव। तो ये है बारीडीह के जनता और ये अपने अपने विचार को रख रहे हैं। 12 मई को चुनाव है और 23 मई को मतगणना होना है। देखना ये है कि जो सांसद होंगे वो कैसा सांसद होंगे इनके बीच और क्या कुछ इनका उम्मीद रहेगा उनसे। बोल जनता बोल में बस इतना ही, नमस्ते।